नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना सचिन चौहान अपने YouTube चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं पहुंचा हूं एक किसान के डेरे पर। खेतों में इन्होंने अपना ये डेरा बनाया हुआ है जहां पर पशु रखे हुए हैं, कुछ घोड़ी रखने के भी शौकीन हैं ये। आइए मैं आपको इस डेरे की सैर करवाता हूँ, आज इसके मालिक से मिलवाता हूँ, एंट्री करते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एंट्री में ही घोड़ी और एक उसकी बच्ची बंधी हुई है। अंदर एंट्री करते हैं, आइए मिलवाता हूँ इसके मालिक से। ये देखिए, कुत्ते भी रखे हुए हैं इन्होंने, कुत्ते पाले हुए हैं एक से एक नस्ल के, अच्छी अच्छी ब्रीड के। ये देखिए, मुर्गे, देसी मुर्गे भी रखे हुए हैं, मुर्गे पालने के भी बड़े शौकीन हैं ये। और ये देखिए, और भी कुत्ते रखे हुए हैं अच्छी नस्ल के। ये देखिए, किधर भी बड़ा अच्छा शौक है। ये देखिए, देसी मुर्गों का पालन भी करते हैं, मुर्गे रखे हुए हैं देसी मुर्गे। ये देखिए, बहुत सारे। और ये देखिए, एक बड़ा अच्छा तगड़ा गद्दी खान, इसे बोलते हैं गद्दी खान नस्ल का कुत्ता, बिल्कुल काला रंग, चमकता हुआ, हट्टा कट्टा, एकदम हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त। ये रखवाली करता है, मेन गेट पर यही रहता है। और देखिए, बत्तख भी रखी हुई है इन्होंने, डक, बत्तख भी पालते हैं। क्या बात है, क्या बात है, कितने अच्छे शौक हैं। और ये मुर्गे, देसी मुर्गे। और ये देखिए, फोर्ड ट्रैक्टर, फोर्ड ट्रैक्टर के भी शौकीन हैं। और ये लगभग 30 साल पुराना है, जैसा कि किसान भाई ने जानकारी दी है, भारत के खेतों का राजा। और ये देखिए किसान साथियों, इनके पास एक लाल रंग की अभी बच्ची थोरोब्रीड है, ये थोरोब्रीड बोलते हैं इसे, थोरोब्रीड इस नस्ल का नाम है। और अभी 1 साल की, और आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी अच्छी इसने हाइट की हुई है। क्या बात है, कितना अच्छा शौक रखते हैं ये। पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर हरा चारा काटने के लिए मशीन लगी हुई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हरा चारा भी पड़ा हुआ है, ताज़ा, एकदम फ्रेश बिल्कुल। तो किसान साथियों, समय बर्बाद ना करते हुए आइए इस डेरे के मालिक से, किसान भाई से मिलवाते हैं, इनका परिचय जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? सर मेरा नाम दिलावर सिंह। दिलावर सिंह जी, एक बार अपना एड्रेस कन्फर्म कराएँ। सर मेरा नाम दिलावर सिंह, गाँव सुख माजरी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। नाम दिलावर सिंह, गाँव सुख माजरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा। तो दिलावर सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की है अपने डेरे पे। मैंने अभी देखा, आपने घोड़ी भी रखी हुई है, आपने देसी मुर्गे भी पाले हुए हैं, बड़ी अच्छी नस्ल के कुत्ते भी पाले हुए हैं, फोर्ड ट्रैक्टर भी है, आपके बड़े अच्छे शौक है, बड़ा अच्छा आपका डेरा है खेतों के बीच में। तो मैं एक बार किसान साथियों आपको बताना चाहूँगा, कैमरे से शूट करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, इन्होंने बड़ी अच्छी गायें भी रखी हुई हैं, आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। तो दिलावर सिंह जी, हाँ जी, आपके पास कितनी गायें हैं इस टाइम? सर इस टाइम मेरे पास 10 गायें हैं। 10 गायें और 4 बछड़ियाँ हैं। 4 बछड़ियाँ, हाँ जी। तो आप अकेले कर लेते हो ये सब हैंडल? नहीं, अकेला तो नहीं है, मेरे पास 2 बंदे हैं। 2 बंदे और भी रखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा घर है शहर के अंदर। शहर में रहते हैं आप? जगाधरी में। जगाधरी में रहता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात। तो मेरे को सुबह शाम मैं यहीं बात मिलता हूँ। क्या बात है। बस 2 बंदे रखे हुए हैं जो बहुत, मतलब कि 15-20 साल हमारे पास ही लगे हुए हैं। 15-20 साल से 2 आदमी आपके पास परमानेंट रहते हैं। तो आपका दूध का काम है मेनली? हाँ, मेनली दूध का काम था, पर आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ गलत हो रही हैं उसकी करके काम थोड़ा कम शॉर्ट कर दिया है। पहले गायें बहुत ज़्यादा थी। पहले गायें थी, मतलब 20-25 गायें रखते थे हम, पर अब गायें कम हो गई हैं। अब गायें कम, ब्रीडिंग पे कम ध्यान कर रहे हैं थोड़ा। तो जैसे आपका दूध का काम है, तो दूध की जो सप्लाई है आप वो गांव में करते हो या किसी दूध वाले के यहाँ डेयरी में डालते? नहीं, मेरे से गांव के ले जाते हैं कुछ लोग आके, जैसे 10-15 गांव में से लोग ले जाते हैं, बाकी जहाँ हमारा घर है वहाँ से घर से ले जाते हैं आके। गांव के लोग भी लेकर जाते हैं इनसे दूध, और शहर के भी, शहर में भी इनका दूध जाता है। तो किसान साथियों देखिए, दिलावर सिंह जी काफ़ी यंग है अभी, काफ़ी जोशीले किसान हैं, कितने अच्छे इन्होंने शौक़ किए हुए हैं, और 2 आदमियों को साथ लगाकर सारा काम ये खुद हैंडल करते हैं, और इन्होंने बहुत सारी गायें रखी हुई हैं, दूध का काम ये करते हैं। किसान भाइयों, ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी के पीछे ही दौड़ें,
आप अपना खेती के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि दिलावर सिंह जी कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा सुखी जीवन ये जी रहे हैं, प्रकृति के बीच में, पशुओं के बीच में, घोड़ों के बीच में, मुर्गे भी पाले हुए हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने अरेंजमेंट की है, बड़ा अच्छा इन्होंने डेरा बनाया हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको कैमरे में दिखाना चाहूँगा, वीडियो में, इनकी गायें, बहुत सारी इन्होंने गायें रखी हैं और काफ़ी अच्छी नस्ल की गायें, मोस्टली इनके पास HF नस्ल की गायें हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए साथियों को कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।